इसमें मैंने एक एग्जांपल देखा था एनसीईआरटी में, तो उसमें जो के का रिलेशन दिखा रखा है वो डायरेक्ट पी से दिखा रखा है, मतलब प्रेशर से, वो कैसे आएगा? किसका? के का जो रिलेशन है वो दिखा रखा है 2.303/T log P1/PA। बस ये डाउट है। हाँ बस, हाँ ये इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कैसे आएगा रिलेशन। ठीक है, और इसमें तो यही है मेरे को। अच्छा यही डाउट है। ठीक है भाई, तो देख एक बार, ये काफी सिंपल ही है। ठीक है, और आवाज आ रही है क्लियर? हाँ रही है। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, मैं तेरे को खाली यही नहीं, आगे भी काम आएगी ये चीज। ठीक है, तो एक सिंपल से तरीके से मैं तेरे को समझाता हूँ। ठीक है, ये कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर पे अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो पिस्टन किधर मूव करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनलोड। ठीक है, वॉल्यूम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। डिक्रीज। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कंसंट्रेशन क्या कर रही है? इंक्रीज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन भी क्या करेगी? ठीक इंक्रीज। है, तो जो तेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का था उसको रिलेट एक्चुअली कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर से इसीलिए कर रहा है क्योंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के साथ क्या करती है, लिंक करती है। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तेरे को। फॉर एग्जांपल, तूने एक ये ली कुछ गैसियस, कहाँ गया भाई, हाँ, जैसे हमने लिया ए प्लस बी, ये दो गैसेस ली जो सी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। हाँ। ठीक है, यहां पर हमने कहा, या इसके बजाय एक सिंपल सा ले ले यार, ए चेंज हो गया टू बी के अंदर। ठीक हाँ है, ए भी गैस है और बी जो है वो भी गैस है, तो गैस की अगर बात हो रही है तो गैस की बात हो रही है तो प्रेशर की बात होगी। तो हाँ इनिशियली अगर मैं बात करूंगा टाइम जीरो के ऊपर, ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट मान लिया, कुछ। हाँ और प्रोडक्ट का जो प्रेशर है, प्रोडक्ट का जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, उसने क्या कहा, फाइनली फाइनली उसने कहा टाइम जब तुम्हारा फॉर एग्जांपल टी डैश हो गया, तो उसने हाँ कहा कि टी डैश टाइम के ऊपर जो टोटल प्रेशर है, टोटल जो प्रेशर है वो उसने कहा पीटी है। टोटल प्रेशर कितना कहा, पीटी। पीटी। ठीक है, अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा तो ये जो रिएक्शन है ये एक ओपन कंटेनर में होगी या क्लोज कंटेनर में होगी? क्लोज क्लोज में होगी। में। तो अगर मैं बात करूं, ये तो मान ले तेरा क्लोज कंटेनर है। ठीक है, अब इस हाँ क्लोज कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है टाइम टी के ऊपर, टाइम टी डैश के ऊपर, हाँ तो ये जो प्रेशर है वो सिर्फ ए के कारण होगा या ए और बी दोनों के कारण होगा? ए और बी के कारण। हाँ ए और बी दोनों के कारण होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब रिएक्शन मूव करेगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, तो हाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी इसका मतलब रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो प्रेशर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज। तो वो मैंने एक्स हाँ अमाउंट यहां से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट का कितना बनेगा, 2x। टू तो ये आपका टोटल प्रेशर होगा।
अगर मैं ए की बात करूंगा तो ए के विद रिस्पेक्ट प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस एक्स। हाँ बी की मैं बात करूंगा तो बी के कारण प्रेशर कितना है, 2x। लेकिन उसने टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, pt। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, p नॉट माइनस एक्स प्लस 2x, वो किसके बराबर हो जाएगा, pt। pt के बराबर। और अगर मैं बात करूंगा p नॉट प्लस x इज इक्वल टू में क्या हो गया, pt। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर अब एक बार देख, तूने फॉर्मूला लिखा था कंसंट्रेशन के टर्म में, k इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन। हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, k इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में t लॉग ऑफ, अब इनिशियल कंसंट्रेशन की बजाय क्या होगा, इनिशियल प्रेशर दैट इज p नॉट अपॉन में फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर किसका है, रिएक्टेंट का ही होगा, तो रिएक्टेंट का क्या है फाइनल प्रेशर, p नॉट माइनस x। बात आ रही है समझ में? हाँ ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा मुझे x की वैल्यू नहीं पता, तो x की वैल्यू मैं कहां से फाइंड आउट कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू में pt माइनस में p नॉट। ठीक है, अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूँ x की वैल्यू को, तो उसके एक बार जरा ध्यान से देखना क्या होगा, p नॉट माइनस x इज इक्वल टू p नॉट माइनस x की वैल्यू क्या है, pt माइनस p नॉट। और मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2p नॉट माइनस pt। ठीक है, तो p नॉट माइनस x की बजाय मैं यहां पर क्या पुट कर सकता हूं, 2p नॉट माइनस pt। बात आ रही है समझ में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं, और कोई परेशानी नहीं हो इसमें? नहीं। पक्का? हाँ। देख ले एक बार, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ ले। हाँ आया आया। ठीक ठीक है भैया, समझ में आ गया? हाँ। तो चले अब आगे। हाँ तो कल मैंने तेरे को बोला था कि भाई उसको पढ़ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को, तो पढ़ के आया? नहीं पढ़ा? पढ़ा पढ़ा था, तो कोई दिक्कत हो उसमें? नहीं नहीं है। तो क्या इक्वेशन थी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y is equal to ax, y is equal to में ax, y is equal to mx plus c। ठीक है, यहां पर y और x तेरे पास दो डायमेंशन है, अगर मैं m की बात करूंगा तो m जो है वो तुम्हारा स्लोप होता है, और c की अगर मैं बात करता हूं तो c होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, y और x के बीच में ग्राफ आपका प्लॉट होगा, तो ग्राफ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, इसकी जो वैल्यू है m, और ये कहलाता है इंटरसेप्ट, जिसका वैल्यू होते इक्वल कांस्टेंट के, जो कि है तुम्हारा c। ठीक है, दूसरा इसमें होता है y इज इक्वल टू में c माइनस mx, c का मतलब वही कांस्टेंट, m जो है स्लोप है, x और y वही दो डायमेंशन है, बट यहां पर स्लोप जो है वो क्या है तुम्हारी, नेगेटिव है,
नेगेटिव ठीक है, तो बस ग्राफ जो है वो ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, ग्राफ क्या रहेगा ये रहेगा ठीक है, यही वो आपकी वो एक्सेस है। पॉइंट क्लियर है? हाँ या नहीं है? है ठीक है। तो कल हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था, सॉरी जो वैल्यू लिखी थी वो क्या थी हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन अपॉन आर टी। एक सेकेंड आर टी ठीक है। यहां पर आपके पास जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ग्राफ प्लॉट किया जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ x का मतलब हो गया वो तुम्हारा y ठीक है। 1/t जो है वो क्या हो गया x, ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या कहलाएगा m और ये पार्ट क्या कहलाएगा c। पॉइंट क्लियर है? तो स्लोप कौन सी है तेरे पास, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ग्राफ कौन सा आएगा, a आएगा या b आएगा? b ग्राफ आएगा ठीक है। तो इसकी ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का ई ए अपॉन में आर, और वाई जो है उसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ के, और अगर मैं एक्स की बात करूंगा वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स तो 1/t है ना, सॉरी 1/t ठीक है भाई। क्लियर है? दूसरा हाँ। यहाँ पर फिर हमने एक और करवाया था, log of k is equal to में log of a minus e a upon में 2.303 r t। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ की बात होगी वो log of k versus 1/t के बीच की बात होगी ठीक है। हाँ। तो कई बार तो क्या होता है तुम्हें पेपर के अंदर जो है ये इसी इक्वेशन को कंपेयर करवा के न्यूमेरिकल पूछता है ठीक है, और कंपटीशन के अंदर क्या होता है वो कहेगा कि भैया हमने लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया ठीक है, और जो स्लोप है उस स्लोप की वैल्यू कुछ भी उसने गिवन होगी, स्लोप की वैल्यू क्या होगी कुछ ना कुछ गिवन होगी, वो यहाँ पे पूछेगा कि जो ई ए है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो निकल जाएगा हाँ ठीक है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू गिवन है, तो स्लोप की वैल्यू अगर गिवन है तो यहाँ पर ई ए अपॉन 2.303 आर इज इक्वल टू में स्लोप होगा, आर की वैल्यू पता ही है 8.314, तो 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में स्लोप, उनको मल्टीप्लाई करेगा तो वहां से हम क्या फाइंड आउट कर देंगे ई ए को हम बात आ रही है समझ में? हाँ। कोई दिक्कत है उसमें? नहीं। देख ले एक बार। आगे ठीक है, तो अब चल आगे देखे एक बार। अब हम बात करते हैं, कल हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर ली थी ठीक है। हाँ। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। On rate of reaction,
ठीक है, और आपका जो सिलेबस है जिसके अंदर हम यहाँ पर जो बात करेंगे कैटलिस्ट की, वो हम बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट की। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। हाँ। जिसके कारण आपका के की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, और के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर इंक्रीज। पॉइंट क्लियर है? हाँ। तो ये चीज भी हम बात करेंगे अरहेनियस इक्वेशन की। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया फ्रॉम अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन क्या कहती थी, k इज इक्वल टू में ए ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। और अगर मैं नेचुरल लॉग की बात करूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन में आर टी। और अगर मैं बात करता हूं विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करने से रेट कांस्टेंट में चेंज आता है, तो विदाउट कैटलिस्ट हमने रेट कांस्टेंट को मान लिया k1, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को हमने ea1 माना, अपॉन में क्या कर दिया rt। ठीक है, और हम बात करते हैं विद कैटलिस्ट। अगर हम विद कैटलिस्ट की बात करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ k2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए टू बाई आर टी। हमने क्या कर दिया, नेचुरल लॉग ऑफ के टू में से नेचुरल लॉग ऑफ के वन को माइनस कर दिया। नेचुरल लॉग ऑफ ए से नेचुरल लॉग ऑफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ। ठीक है, हम के वन वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस जब होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ई ए वन अपोन में आर टी माइनस ई ए टू अपोन में आर टी। और ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल टू वन अपोन आर टी इंटू में ई ए वन माइनस ई ए टू। ठीक है, और ई ए वन और ई ए टू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ई ए वन की वैल्यू बड़ी है, तो इसको मतलब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई ए भी लिख सकता हूँ। पॉइंट क्लियर है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई ए लिख सकता हूँ। तो क्या लिख दिया मैंने, नेचुरल लॉग ऑफ के टू अपोन में के वन इज इक्वल टू में डेल्टा ई ए टू अपोन में आर टी। और अगर मैं लॉग K2 by K1 की टर्म में, log 10 की टर्म में मैंने इसको ओपन किया, तो क्या हो गया, डेल्टा ई ए अपॉन 2.303 RT। पॉइंट क्लियर है? और यहाँ पर मैं K2 by K1 की बजाय मैं ये भी पुट कर सकता हूँ R2 by R1। ये कल हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को। हाँ। देख लिया एक बार। नहीं है नहीं, कोई न्यूमेरिकल वगैरह किसके ऊपर, किसी पे भी नहीं, वो जो था वो पूछ लिया था आपसे। ठीक है, और ये तेरा जो केमिकल काइनेटिक्स है ये इसी के साथ तेरा कंप्लीट है भाई।